प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगी आपको एक कविता। पता है आपको उस कविता का नाम क्या है? उस कविता का नाम है होटल हाथी का। ठीक है, आपको पता है इस कविता में कौन कौन है? इस कविता में है एक हाथी, उसकी एक दोस्त हिरन और एक दुष्ट लोमड़ी जो उसको बहुत परेशान करती थी। तो चलिए सुनते हैं कविता होटल हाथी का। एक थी हिरनी हेमा, जंगल की थानेदार। एक थी हिरनी हेमा, जंगल की थानेदार। होशियार हेमा से तो हर चोर ने मानी हार। होशियार हेमा से तो हर चोर ने मानी हार। होटल का मालिक था हाथी वो समझदार। होटल का मालिक था हाथी वो समझदार। दुष्ट लोमड़ी के हथकंडों से वो जाता हार। दुष्ट लोमड़ी के हथकंडों से वो जाता हार। दुष्ट लोमड़ी हाथी के होटल पर करती हमला। दुष्ट लोमड़ी हाथी के होटल पर करती हमला। लुटता खाना जब तक हौले हौले हाथी निकला। लुटता खाना जब तक हौले हौले हाथी निकला। होटल में हो टूट फूट हुड़दंग और हंगामा। होटल में हो टूट फूट हुड़दंग और हंगामा। रोज लोमड़ी लेकर जाए हांडी जिसमें खाना। रोज लोमड़ी लेकर जाए हांडी जिसमें खाना। हाथी रपट लिखाए लोमड़ी से डरते हलवाई। हाथी रपट लिखाए लोमड़ी से डरते हलवाई। फिर तो लोमड़ी से पहले हिरनी होटल में आई। फिर तो लोमड़ी से पहले हिरनी होटल में आई। हलवे की हांडी लोमड़ी ने जैसे ही उठाई। हलवे की हांडी लोमड़ी ने जैसे ही उठाई। फिर तो लपकी उस पर हिरनी हो गई हाथापाई। फिर तो लपकी उस पर हिरनी हो गई हाथापाई। लिया हिरासत में फिर हिचकी लेकर रोए लोमड़ी। लिया हिरासत में फिर हिचकी लेकर रोए लोमड़ी। होश उड़ गए हवालात में हाथ पड़ गई हथकड़ी। होश उड़ गए हवालात में हाथ पड़ गई हथकड़ी। अब फिर से यहाँ खुशियाँ छाई, ये है होटल हाथी का। दूर दूर मशहूर हो गया, ये है होटल हाथी का। तो देखा आपने, हाथी और हिरनी की दोस्ती ने कैसा कमाल किया। उसने लोमड़ी को भगा दिया और हाथी के होटल को बचा लिया। तो बच्चों, आपको पता चला ये कौन से व्यंजन की कविता थी? हाँ, ये थी व्यंजन ह की कविता। और व्यंजन ह ऐसा दिखता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।